Ladies and gentlemen, welcome to MedGate Today presents Healthy Talk Show, where we elevate your journey to optimal health through expert insights and empowering stories. Here, leaders speak and industry listens. I'm your host, Ritika Singh. It is a great pleasure to introduce our esteemed guest, Dr. Parul Shah, a renowned Ayurvedic consultant. Dr. Shah has dedicated her career to the holistic practice of Ayurveda, embracing its ancient wisdom to promote health and well-being. With a deep understanding of Ayurvedic principles and a compassionate approach of patient care, Dr. Shah has become a leading voice in the field. Her expertise in personalized treatment plans and her commitment to integrating traditional wisdom with modern practices have made her a respected figure among both her peers and patients. We are honored to have Dr. Shah with us today and will look forward to gaining insights from her extensive knowledge and experience in Ayurvedic medicine. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Parul Shah. Namaskar, ma'am. Namaskar, Ritika. मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे शो में आए हैं. सेम हियर रितिका. तो चलिए इंटरव्यू को शुरू करते हैं. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आयुर्वेद का मतलब क्या है? वेरी गुड एंड बेसिक क्वेश्चन रितिका. आयुर्वेद को मैं अगर इनकी भाषा में आप लोगों को बताऊं, मेडिकेट के व्यूअर्स को, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच. उसका मतलब है स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है, हाँ, जो आतुर है मतलब रोगी है, उसके विकार को, उसके रोग को कम करना. ये आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत है. अच्छा. मतलब दूसरे जो साइंस है उसमें सिर्फ जो रोगी होते हैं उनका ही ट्रीटमेंट किया जाता है कि चलो रोग हुआ बाद में ट्रीटमेंट करो. बिल्कुल बिल्कुल. आयुर्वेद ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें वो पहले बोलता है कि पहले जो स्वस्थ लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो, विकार होने ही नहीं दो, और हाँ. फिर भी अगर विकार होता है तो बाद में उसका प्रशमन करो. इतना अच्छा और बढ़िया ये आयुर्वेद शास्त्र है. अच्छा. मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार आयुर्वेद को का प्रचलन करने के लिए क्या कर रही है? भारत सरकार अपनी जो ये ट्रेडिशनल आयुर्वेद शास्त्र है उसके लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने अब तक किया है. आप पूरा आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने सिर्फ आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक आयुर्वेद की अच्छी सब दवाइयाँ पहुँचाने में, आयुर्वेद को जितना हो सके इतना पूरे समाज में प्रचार करने के लिए और साइंटिफिक वे से पूरा आयुर्वेद की मेडिसिन लोगों को, लोगों तक पहुँचाने के बाद उनके स्वस्थता की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पूरा आयुष मंत्रालय बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और उनका रिसर्च वर्क भी चलता है. सबसे अच्छी बढ़िया बात है कि उनका रिसर्च वर्क भी चलता है, तो वो पूरे के पूरी कोशिश में है कि अपना पूरा जन समाज आयुर्वेद से जुड़े, जो अपनी ट्रेडिशनल सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है. ये तो बहुत अच्छी बात है. मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हम सुनते स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, तो इन दोनों में मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है. स्वस्थता, स्वस्थ किसको बोलते हैं? हु इज हेल्दी. इसके लिए हमारे ग्रंथों ने, हमारे जो चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, जो पुराने जो हमारे शास्त्र है जो स्पेशली आयुर्वेद के है, इसमें एक श्लोक है, बढ़िया सा श्लोक है, समदोष समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते. मतलब जिसका दोष सम है, जो मल, जो दोष है अपने जो
वो सम है, मैं आगे बताती हूँ दोस्त। सम धातु मल क्रिया, उनकी जो धातु है जो अपनी मल क्रिया है जो रूटीन वो सम है। नॉट इनफ, ये जो बहुत पहले अभी जो चल रहा है साइकोसोमेटिक जो भी डिजीज है, हाँ। अभी तो ऑलरेडी प्रूव हो गया है कि कोई भी जो डिजीज है, कोई भी एनी डिजीज, वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब मन से जुड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने शरीर के साथ मन से भी जुड़ी है, बिल्कुल। वो तो अरे बापरे हजारों साल पहले आयुर्वेद ने बता दिया। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब स्वस्थ सिर्फ अपनी सम दोष धातु मल क्रिया, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, मन का प्रसन्न आत्मा एंड इंद्रिया इनका भी स्वस्थ होना इतना ही जरूरी है। और वो अगर उनकी स्वस्थ है तो ही वो आदमी हेल्दी है, वो आदमी स्वस्थ है। बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पंचकर्म चिकित्सा क्या है, हाँ। और वो मेडिक के क्लेम में कैसे शामिल है? देखो अभी अभी गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया कदम उठाया है उन्होंने कि जो आयुर्वेद की पंचकर्म ट्रीटमेंट है या आयुर्वेदिक की कोई भी जो ट्रीटमेंट है उन्होंने मेडिक्लेम के अंडर उसको कवर किया है। पहले नहीं था। अच्छा। बराबर जैसे अभी बहुत शब्द प्रचलित है कि डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ, कराने के लिए हम बिल्कुल यहाँ गए वो गए। डिटॉक्सिफिकेशन की ही ये रीत है पंचकर्म। बराबर, तो शरीर में जो अपने दोष इकट्ठा हुए हैं, पॉइजन बोलते हैं, जहर बोलते हैं कि शरीर में से निकालो, इसके लिए अपना शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए पंचकर्म आयुर्वेद का बताया हुआ है। वमन विरेचन रक्तमोक्षण नस्य बस्ती वो दोष के हिसाब से होता है, हमने आपको पहले बताया था। हमारा पूरा आयुर्वेद के तीन दोष के ऊपर टिका हुआ है। अच्छा। वात एंड कफ, बिल्कुल। तो वो हिसाब से जो वैद्य है वो देख के वो हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, हाँ। और इसके लिए जहाँ जरूर इसको शोधन कर्म में लिया जाते हैं। आयुर्वेद में दो टाइप की ट्रीटमेंट होती है, शोधन और समन। तो शोधन कर्म में ये पंचकर्म को लिया जाता है। और जो बोलते हैं ना कि अपना पूरा शरीर बहुत छोटे 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 कण बिंदु से बनाए, तो उसके छोटे छोटे सेल जो कोश होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां तक जाके वो शरीर की शुद्धि करते हैं। तो फिर से आपके शरीर को तैयार करते हैं कि उनको कोई रोग ना हो। तो ऐसे पंचकर्मा, ऐसे हमारे में जब हम पढ़ते थे तब हमारे गुरुजी बताते थे कि नेचुरोपैथी भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। Okay. जो अभी अलग तरीके से पूरी ब्रांच की तरह आ रहा है। और नेचुरोपैथी वाले भी बस्ती कर्म करते हैं, नेचुरोपैथी वाले भी वमन विरेचन कराते हैं। अच्छा। थोड़े और मतलब हल्के तरीके से, लेकिन इनका बेस आयुर्वेद है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे तुरंत ही पंचकर्म में नहीं जाना चाहिए। पहले आप अभ्यासु और विद्वान वैद्य की सलाह लेके समन चिकित्सा में जाओ, उनकी सलाह लेके करो, फिर अगर आगे जरूरी है तो आप शोधन कर्म मतलब पंचकर्म में जाओ। अच्छा, हाँ। तो ये होता है पूरा पंचकर्म का। और एक दूसरी बात है कि जो मैंने पहले पहले बताया और जिसको मैं भी मानती हूँ और सबको मानना चाहिए कि बीमारी क्यों पड़े, बिल्कुल। तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया है ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या। हाँ। तो अगर आप ऋतु के अनुसार, बराबर, कितनी बड़ी बात बताई, छोटे से लेके बड़े तक ले गए, बिल्कुल बिल्कुल, दिनचर्या, रात्रिचर्या, बिल्कुल, ऋतुचर्या। आप दिनचर्या मतलब आपको पूरे दिन में सुबह उठ के शाम तक क्या करना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए, कौन सी सीजन में क्या करना चाहिए, अगर वो आप अभी बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल डिजीज पूरा बढ़िया। आप अभी मेरे को पूछो कि व्हाट इज आयुर्वेद एंड लाइफस्टाइल, मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला है। तो आप मुझे पूछोगे तो ये लाइफस्टाइल जो डिजीज है वो अगर अपनी लाइफ को अगर हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये रात्रिचर्या इवन के हिसाब से अगर आप जियोगे तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे। बिल्कुल सही बोला। और इनके इतने सिंपल सिद्धांत है जो अगर हम करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी करेंगी, जो हमारे घर में चलेगा तो वो हमारे बच्चे देख के
वो आगे जाएंगे। बिल्कुल बराबर, जो हम हाँ, करते वही सब फॉलो करते हैं, वही फॉलो करना है। बिल्कुल। तो पूरे दिन में क्या करना है, जैसे अभी वर्षा ऋतु है, हाँ जी, तो वर्षा ऋतु में दोष के हिसाब से अगर हम जाए तो वायु का प्राधान्य रहता है। अच्छा, बराबर। दो दो महीने, हर दो दो महीने ऋतु संधि भी आता है कि दो महीने बाद ऋतु संधि में अगर आपने अभी जो बताया पंचकर्म, पंचकर्म तो नहीं लेकिन हल्का सा शोधन कर्म कर ले, अपने शरीर की सफाई कर ले, तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे। अभी वायु का प्राधान्य है तो आपको वायु पे ध्यान देना चाहिए, बराबर। और अपने मतलब उम्र के हिसाब से भी बताया है कि बच्चे हैं तो आप में कफ का प्राधान्य है, अगर आप यंग हो, युवान हो, तो आप में पित्त का प्राधान्य है। अगर अब जैसे उम्र हो गया आपका, सीनियर सिटीजन हो गया, तो आपको आपके आपके ऊपर वायु ज्यादा हावी हो जाएगा, तो वो हिसाब से चलो। तो ये हमारा छोटे छोटे जो बात है, जो हमारे घर की दिनचर्या में अगर हम लोग ऐसा एज अ मदर, ऐसा जो घर पूरा हाउस होल्ड करती है, अगर वो ही कर दे तो कोई डॉक्टर का जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल हाँ, नहीं है। तो हमारा आयुर्वेद का तो पहला ही सिद्धांत है कि जो स्वस्थ लोग हैं उसके स्वास्थ्य की रक्षा जो अपने आयुर्वेद में सिद्धांत बताया है ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से करो। और अभी अभी गवर्नमेंट का एक बहुत सराहनीय भी आपने अभी बोला, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाँ जी। तो वो लोग ने कोशिश करी है कि जो पाठ्य पुस्तक है अपने टेक्स्ट बुक पढ़ने की, हाँ हाँ। इसमें कुछ कुछ आयुर्वेद के सिद्धांत बताए, बच्चों को भी बताए कि क्या अच्छा चीज है क्या नहीं है, और ऐसे नहीं है तो रेफरेंस बुक में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि ये बात अच्छी है, अगर आप ये करो तो आपको रोग ही नहीं होगा। सबसे पहले सुखी काया, सुखी काया, सबसे पहले सुखी काया, उसके बाद सबसे बड़ा सुख क्या, तो अपना सुखी। बिल्कुल, अगर काया सही होगा तो आप हर काम कर सकोगे, हर काम कर सकोगे। बिल्कुल। तो ये आप बीमारी बीमार का बाद में सोचो ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, सोचिए पहले, हाँ, जो बच्चे है जन्म से क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट डे उसको क्या करना है, अगर पेट में बच्चा आया तो मम्मी को क्या करना है। तो अभी तो बहुत चला है गर्भाधान संस्कार। बिल्कुल सही कहा। और मेरे ख्याल से तो 60% इंडियन लेडीज गर्भाधान संस्कार करती है। दे एडवाइज फॉर दैट कि हम अभी से करें तो हमारा बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे। बिल्कुल हाँ। मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये होगा कि वेलनेस और लाइफस्टाइल आयुर्वेद उसको कैसे डिफाइन करता है, क्या कहता है इसके बारे में? तो वेलनेस के लिए मैंने बता दिया, स्वस्थ रहो, दैट इज अ वेलनेस। बिल्कुल। लाइफस्टाइल क्या है, तो हमारी ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, उसका पालन करो, ऋतु अनुसार आपका खाना खाओ, बराबर। ऋतु अनुसार बोला है कि ये टाइम पे सो उठना चाहिए, ये टाइम पे सोना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, मंजन कैसे करना चाहिए, कुल्ला कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग इसमें लिखा है। और इवन दिस योग जो हम बोलते हैं वो भी आयुर्वेद का ही एक अंग है, लेकिन वो इतना बड़ा कि पूरा शास्त्र की तरह आ गया है योग। हाँ, जो लोग बोलते हैं योगा, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज अ योग ऑनली, योग। हाँ? योगा तो इंग्लिश में ए लगा देते हैं। नो, ये पूरा वर्ड नहीं है, योग इज अ पूरा वर्ड। यस, बिल्कुल हाँ, सही बोला। तो वो है ना योग, आपने जो बोला लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल यही है कि दिन में क्या करो, ऋतु में क्या करो, रात्रिचर्या में क्या करो, वो पहले से करो। बिल्कुल। तो आप भी बोलते हैं कि लाइफस्टाइल बदलो, आप नहीं मानोगे, आप बोलते हैं सब लोग को मिटता भी है डायबिटीज, थायराइड, लाइफस्टाइल चेंज करने से मिटता है। तो आप देखो कि वो क्या बताती है, उनकी जो भी न्यूट्रिशन के लिए वो कंसल्ट करते हैं या वैद्य को करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में, हाँ, तो वही तो कराते हैं। और क्या कराते आप है? खाना ये खाओ, बिल्कुल, सुबह में इतने बजे उठो, 6 बजे पहले खाना खा लो। बिल्कुल, ये सब आयुर्वेद में बताया है, बराबर। और सब लोग करते भी है और आगे स्वस्थ भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, उनका डायबिटीज और थायराइड भी मिट जाते हैं। बिल्कुल हाँ। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा मैम, दर्द और दर्दी का निर्वाण आयुर्वेद इसके बारे में क्या बताते हैं? दर्द, पेन, हमारे में होते जहाँ पेन होता है वहाँ वायु होता है। अच्छा, अब समझे, वहाँ वायु के बगैर पेन होगा ही नहीं। ये पित्त और कफ, हाँ, दोनों का जो चालन पावर है, हाँ, जिसकी वजह से वो चलते हैं, वरना दोनों पंगु है। अगर वायु आपका कंट्रोल में है तो आपका पित्त और कफ भी बहुत आगे नहीं जाएगा। अच्छा, वायु ही सबको चालक बल जो है, 80 प्रकार के वायु के रोग बताए, 40 प्रकार के पित्त के रोग बताए, 20 प्रकार के कफ के रोग बताए।
तो वायु जरूरी है, उसके लिए सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, दोनों बेस है उनके। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य है ये, हाँ, करो, हाँ, हाँ। आहार, आहार ही औषध है। आपने बोला लाइफस्टाइल में सबसे जो बढ़िया, सबसे मेन रोल है वो आहार का है और निद्रा का है। निद्रा, अभी लोग आहार करते, आहार का बहुत कॉन्शियस है, बहुत कॉन्शियस है, बट निद्रा के नहीं है, निद्रा का भूल जाते हैं। बिल्कुल, पूरा दिन मोबाइल में, पूरा दिन टीवी में। तो आप निद्रा भी सम्यक लो, आहार भी सम्यक लो। आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज आप अति करोगे रोग की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी करो अति मत करो, समझ के करो, कम करो। वो खाना हो, वो निद्रा है, वो घूमना है, जो भी करो, आप अपना काम है, काम भी करो, बराबर, लेकिन उसका भी कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बहुत अगाध समुद्र है आयुर्वेद। हाँ, जैसे अभी हमने उसके एक बूंद की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा मैम, धन्यवाद इतना अच्छा ज्ञान हमें देने के लिए और हमारा बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कि असली में आयुर्वेदा क्या है। धन्यवाद, थैंक यू रितिका, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। As we wrap up today's enlightening discussion, I would like to express our sincere appreciation to Dr. Parul Shah for the fantastic conversation we have had. Dr. Shah has provided us with a profound exploration of ancient Ayurvedic knowledge, offering fascinating insights into his timeless practice. Your expertise and passion for Ayurveda have not only deepened our understanding, but also sparked a renewed interest in its holistic approaches. The depth of knowledge shared today is truly inspiring and highlights the relevance of ancient wisdom in our modern world. Thank you, Dr. Shah, for your time and for sharing such valuable perspectives with us. We are grateful for the opportunity to learn from you and look forward to future discussion and discoveries in the field of Ayurveda. Thank you all for participating and engaging in this insightful session. Have a wonderful day and do subscribe.